तो इस नूमेरिकल में हम लोग देखते हैं कि इस्टीमेशन ऑफ सल्फ़र कैलकुलेट करना है जहाँ पे लिखा हुआ है कि जीरो पॉइंट फोर सिक्स एट ग्राम ऑफ़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिप्स जीरो पॉइंट सिक्स सिक्स ग्राम ऑफ बेरियम सल्फ़ेट तो यहाँ पर अगर हम लोग बेरियम सल्फ़ेट का अगर मोलर मास कैलकुलेट करें तो बेरियम का मास कितना होता है वन सल्फ़र का थर्टी और ऑक्सीजन का सिक्सटीन इंटू तो ये इसका जो मास होता है वो कितना कैलकुलेट हुआ टू थर्टी थ्री तो यहाँ पे देखो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर बेरियम सल्फ़ेट का मास टू थर्टी थ्री है तो सल्फ़र का मास कितना होगा थर्टी टू इट मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं कि टू थर्टी थ्री ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट कंटेन थर्टी टू ग्राम सल्फ़र तो यहाँ से हम लोग सल्फ़र के बारे में कैलकुलेट कर सकते हैं कि वन ग्राम ऑफ बेरियम सल्फ़ेट में कितना ग्राम सल्फर होगा तो थर्टी टू बाई टू थर्टी थ्री ग्राम सल्फ़र होगा और यहाँ पर इसका मास गिवन है दैट इज़ ज़ीरो पॉइंट सिक्स सिक्स एट ग्राम तो यहाँ से अगर कैलकुलेट करें तो थर्टी टू बाई टू थर्टी थ्री ज़ीरो पॉइंट सिक्स सिक्स एट ग्राम सल्फ़र होगा और जिनका कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पर सल्फर का जो मास होता है वो कैलकुलेट हम यहाँ पर कर सकते हैं अब ये टोटल मास यहाँ पर सल्फर का हो गया अब अगर हम परसेंटेज ऑफ सल्फर कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा वेट ऑफ सल्फर बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू क्या हो जाएगा हंड्रेड तो यहाँ पर वेट ऑफ सल्फर ये पूरा अमाउंट लिखना होगा दैट इज़ थर्टी टू इंटू ज़ीरो पॉइंट सिक्स सिक्स एट बाई टू थर्टी थ्री और ओवरऑल जिसको डिवाइड करेंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का देखो इस कंपाउंड में मास कितना गिवन था जीरो पॉइंट फोर सिक्स एट और परसेंट कैलकुलेट करना तो हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका आता है 19.59 पॉइंट फाइव नाइन फाइव नाइन परसेंट कहीं कहीं पर आपको नाइनटीन पॉइंट सिक्स परसेंट भी मिल सकता है तो गाइज यहाँ से कैरियस मेथड में हम लोग बस इस तरीके से एनालिसिस करके इसका कैलकुलेशन कर सकते